भाई एजिंग करना क्या होता है? एजिंग का साफ सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि तुम नो फैप या सीमन रिटेंशन कर रहे हो, लेकिन साथ में ही तुम पोर्न वीडियोस भी देखकर हिला तो रहे हो लेकिन इजैकुलेशन नहीं कर रहे हो। मतलब तुमने आधे एक घंटा वीडियो देखी और तुमने अपने प्राइवेट पार्ट के साथ सिमुलेशन किया और पीक आने पर तुम रुक गए। सिंपल वर्ड्स में हिलाना लेकिन निकालना नहीं, ये सब कुछ एजिंग में आ जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग किया करते हैं और इसका सबसे ज्यादा डैमेज होता है। डैमेज कैसे होगा भाई, जब मैंने सीमन बॉडी से बाहर निकाला ही नहीं तो मैं तो एक तरह से सीमन रिटेंशन ही तो रहा हूं ना, डैमेज होने की तो बात ही नहीं है। डैमेज कैसे होता है मैं समझाता हूँ। तूने नो फैप क्यों शुरू किया था? क्योंकि सीमन रिटेंशन के बेनिफिट्स तुझे पता लग गए थे। तुझे ये पता लग गया था कि वीर्य अगर तेरी बॉडी में ही रहेगा और वो एनर्जी तेरी बॉडी में ही रहेगी तो तू बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन जब भी तुझे अर्जेस आती हैं तू पोर्न वीडियोस देखने लग जाता है लेकिन हिलाता नहीं है। तूने अपने माइंड को वीडियोस देखने की परमिशन दी हुई है। तू खुद से बोल रहा होता है कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मैं हिला नहीं रहा तो सीमन रिटेंशन के बेनिफिट्स मुझे मिल जाएंगे। रिलैप्स करने और एजिंग करने में प्रॉब्लम क्या है कि जब तू रिलैप्स करता है तो तू 15-20 मिनट पोर्न देखिएगा और हिला के स्पर्म बॉडी से बाहर निकाल देगा। एजिंग में तू बहुत लंबे टाइम के लिए पोर्न देखता है। ऐसे में क्या होता है, तेरा जो सेशन नॉर्मली 15-20 मिनट्स का होना होता है वो घंटों घंटों का हो जाता है, जिस कारण रिलैप्स करते टाइम जो डोपामिन हाई तुझे एक बार मिलनी थी वो एजिंग करते टाइम बार बार आती है। सोच तेरे दिमाग का क्या हाल होता होगा। एक बार सोच, जब तू एजिंग कर रहा होता है तो तू अपने डोपामिन सिस्टम को कितने बुरे तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तू अपने माइंड को नॉन स्टॉप डोपामिन दे रहा होता है। नो फैप में तुझे ठीक इसका ऑपोजिट करना होता है। भाई मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर वीडियोस देखकर सिर्फ एजिंग ही करूंगा, लेकिन एजिंग करते करते रिलैप्स हो ही जाता है। एक फैपर को हमेशा ऐसा फील हुआ करता है कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर है। एजिंग वही लोग करते हैं जो पोर्न एडिक्शन में सबसे ज्यादा डीपली इंडल्ज रहा करते हैं, और पोर्न एडिक्शन से एजिंग करने वाले ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। हमारा माइंड इतना सारा डोपामिन एक साथ ही कंज्यूम करने को नहीं बना हुआ है और इसका इफेक्ट भी ब्रेन में बहुत बुरा होता है। भाई सबसे पहले ये सोच के तूने नो फैप या ब्रह्मचर्या करना क्यों शुरू किया था। एजिंग करना तुझे दिन भर के नॉर्मल टास्क को करना बोरिंग फील करवाएगा। तू सेमन रिटेंशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजिंग करने को सेमन रिटेंशन कहना और ये सोचना कि मुझे बेनिफिट्स मिल जाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। भाई अब समझ आ रहा है कि एजिंग तो रिलैप्स करने से भी बुरा है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। होप के तेरे सभी एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स तुझे मिल गए होंगे। ब्रह्मचर्य और नो फैप करने में अपनी हेल्प करने के लिए आप हमारा कोर्स हमारी वेबसाइट monkwords.com से डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टरबेशन से हुए नुकसान से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि भी आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।